देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 85,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में एक स्टेशन एक उत्पाद का दुर्ग सांसद ने लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 85,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शामिल है। इसी कड़ी में दुर्ग रेलवे स्टेशन में भी इस योजना के तहत महिला समूह को दुकानें आवंटित की गई। दुर्ग रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत आवंटित स्टॉलों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने दुर्ग स्टेशन पर संचालित स्टॉल से महिला समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं की खरीदारी भी की। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। उन्नयन हो रहा है किस तरीके? देखिए, देश का विकास पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उन संकल्पों के आधार पर हम सब पूरे देश को आगे बढ़ाने में माननीय मोदी जी के साथ लगे हुए हैं। और आप देखें कि इन 10-12 दिनों में लगभग 7,00,000 करोड़ के विकास काम देश को सौगात के रूप में मिले हैं। और आज हम सबका सौभाग्य कि दुर्ग रेलवे स्टेशन की कायाकल्प हो रही है। ऐतिहासिक ये रेलवे स्टेशन है और आज एक स्टेशन एक प्रोडक्ट ये कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारे विधायक माननीय गजेंद्र जी, ललित चंद्राकर जी, गजेंद्र यादव जी भाई, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय जितेंद्र वर्मा जी और सभी हमारे पदाधिकारी, पूर्व के पार्षदगण, सब वर्तमान पार्षद सब उपस्थित हुए हैं, जनसामान्य भी है। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। वाशिंग लाइन भी यहाँ बनी है आधुनिक तरीके से। उससे जो डिब्बे हैं वो अब स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे। ये मोदी जी की एक मिशन है, उस मिशन को हमारा स्टेशन भी साकार कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारा स्थानीय जो प्रोडक्ट है, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, चाहे वो कोई निर्माण की बात हो, जैसे खिलौने हैं, बहुत सारे बस्तर क्षेत्र में वो बनते हैं, अपने मिलेट्स बनते हैं, या बस्तर क्षेत्र से जो खिलौने वो मॉडल बना के लाते हैं, उन सब का जो स्वनिर्मित है वो यहाँ पे बेचे जाएंगे, ताकि रेल में जो अन्य राज्यों के लोग यात्रा करेंगे और स्टेशन पर उतरेंगे तो उस दुकान पर जब आएंगे तो पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में क्या अच्छा चीज़ मिलता है। और जब वो ले जाएंगे तो अपने राज्य में उसको बताएंगे, ताकि उनकी ख्याति बढ़ेगी और लोग उस प्रोडक्ट को यहाँ से मंगाने के लिए अपने मन में भी आतुरता व्यक्त करेंगे। इस दौरान दुर्ग के विधायक गजेंद्र ठाकुर भी विशेष रूप से शामिल रहे। उन्होंने कहा कि जिस रेल की पटरियां देश भर को जोड़ती है, उसी तरह विभिन्न प्रदेशों से स्थानीय उत्पादन भी देश को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम साबित होते हैं। साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत दुकानों का संचालन करने वाली समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यहाँ उनके उत्पादों की अच्छी मांग है और इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारतीय युवा देश बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश। मैं खास तौर को घर से क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि कितनी लेट है। मंत्रालय ने भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करने और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। इसके तहत दुर्ग रेलवे स्टेशन पर भी समूह की महिलाएं अपने उत्पादों की बिक्री कर लाभ अर्जित करेगी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।